नमस्कार, सीएमएन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कनिका। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद यूपी की सियासत में हलचल शुरू हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक मेरठ में प्रियंका और चंद्रशेखर की मुलाकात की खबरों के बाद यूपी में सियासी हलचल शुरू हो गई है और अखिलेश यादव बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के सीधे मायावती से मिलने लखनऊ में उनके निवास माल एवेन्यू जा पहुंचे। प्रियंका और चंद्रशेखर की मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती अब अमेठी और रायबरेली पर कुछ फैसला ले सकती हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये दावा किया कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की लंगड़ी सरकार है, जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और निर्दलियों की बैसाखी पर खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि यह सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। चौहान ने शिवपुरी जिले के बैराड में विजय संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। आगामी लोकसभा चुनाव बीजेपी चार मुख्य मुद्दों पर लड़ेगी: भ्रष्टाचार मुक्त भारत, गंदगी मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत और गरीबी मुक्त भारत। के इन बिंदुओं को बीजेपी ने अपनी चुनावी कैंपेन में प्रमुखता से जगह दी है। मध्य प्रदेश के सागर की बात करते हैं, जहां गांव पुरजादव में एक बुजुर्ग से गांव के ही कुछ लोगों ने लाठियों और कुल्हाड़ी से हमला कर मारपीट की। पिटाई से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पहुंचे और घायल बुजुर्ग को खाट पर रखकर करीब 1 किलोमीटर पैदल चले और गांव स्कूल लाए, जहां से फिर घायल को डायल 100 की मदद से इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुजुर्ग की गंभीर स्थिति होने के कारण उसे सागर रेफर कर दिया गया। घायल के बेटे ने गांव के कुछ लोगों के ऊपर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। सपा बसपा रालोद के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने कौशाम्बी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इंद्रजीत सरोज ने भाजपा को जनता के साथ वादा खिलाफ करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास लोकसभा चुनाव 2019 में कोई ठोस मुद्दा नहीं रह गया, तो उन्होंने भारत पाकिस्तान का राग अलपाना शुरू कर दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर मुद्दा नहीं था, लेकिन जब उन्हें लगा कि जनता उनसे दूर जा रही है तो मंदिर मुद्दा को उछालना शुरू कर दिया। इस देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार की गलत नीतियों के विरोध में, वादा खिलाफी के विरोध में, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एवं राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है। हमारे तीनों राष्ट्रीय नेताओं ने गठबंधन का ऐलान कर दिया, सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। उन्होंने निर्देश दिया है कि हर जिले में इन तीनों दलों का एक संयुक्त सम्मेलन किया जाए और निचले स्तर के भी कार्यकर्ताओं को आपस में मिलना चाहिए, जुलना चाहिए, भाईचारा बनाना चाहिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को 80 की 80 सीटों में से हराया जा सके और गठबंधन 80 सीटों जीते। इसके लिए आज प्रोग्राम यहां पर किया गया था। जो कोच की बात करते हैं, जहां पर एक महिला ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर आई और मृतका के शव को फंदे से नीचे उतार कर अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अपनी जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मृतिका अपने पति की बीमारी से परेशान थी, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीएमएन। तब तक के लिए नमस्कार।